नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे केवाईसी को लेकर। बैंकिंग सेवाओं में अलग अलग तरह के वित्तीय सेवाओं के तहत व्यक्ति की पहचान के लिए केवाईसी अनिवार्य है। बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वेरीफाई पता करना हो तो इसके लिए केवाईसी की जरूरत होती है। फोन का सिम लेना हो या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम शुरू करनी हो, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड शुरू करना हो तो आपको केवाईसी कराना जरूरी होता है। आप अगर इन सर्विस की मदद ले चुके हैं तो आपको पता होगा कि केवाईसी कराना कितनी जरूरी है और इसके लिए किसी व्यक्ति को कितना परेशान होना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन केवाईसी शुरू करने जा रही है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ग्राहक को केवाईसी की जानकारी मिल जाएगी। बता दें कि ऑनलाइन या फिर किसी भी सेवा के लिए सरकार ने केवाईसी की जरूर कर दिया है, यानी कि अलग अलग सेवाओं का उपयोग करना हो तो आपको केवाईसी करना ही होगा। अगर केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हैं तो आपको काम अटक जाएगा। ऐसे में सवाल है कि अगर केवाईसी पर काम के लिए इतना जरूरी है तो सरकार इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार की अगर हम तैयारियों को देखें तो अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में बात कहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि केवाईसी का सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होना चाहिए, जिससे कि जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि केवाईसी के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इसका इस्तेमाल अलग अलग संस्थाएं कर सके, यानी कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर केवाईसी से जुड़ी जानकारी हो जहां पे अलग अलग संस्थाएं एक्सेस कर सके। हर बार ग्राहक को केवाईसी नहीं करानी पड़े या फिर केवाईसी से जुड़ी हर बार जानकारी जो है उन्हें साझा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर सिंगल विंडो चालू हो जाता है तो आम जनता को इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को काफ़ी समय बच जाएगा, बार बार केवाईसी कराने से छुट्टी मिल जाएगी, बार बार केवाईसी कराने से की से जानकारी लीक होने का खतरा होता है और फ्रॉड होने की भी संभावनाएँ बढ़ जाती है। एक ही सिंगल विंडो सिस्टम हो तो केवाईसी से जुड़ी जानकारी दर्ज करने में जो है आसानी होगी, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे और केवाईसी के बार बार के जो लफड़े होते हैं, बैंकों में आना जाना, किसी भी कार से पहले केवाईसी करवाना, इन सब चीज़ों से जो है उसे छुटकारा मिल जाएगा। इस सिस्टम के लागू हो जाने से इक्विटी ट्रेडिंग और बैंकिंग से जुड़े हुए काम में लोग अधिक अपना निवेश कर पाएंगे। लोगों को आसानी होगी, वो म्यूचुअल फंड हो या फिर ट्रेडिंग हो या फिर बैंकिंग सेवा में किसी तरह की कोई सुविधा लेना हो तो उसके लिए जो है उन्हें आसानी होगा। इससे लोगों की वित्तीय स्थिति सुधरने के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी फायदा होगा। हालांकि मोदी सरकार ये कहती रही है कि हम कार्डलेस एक तरह से कह लें कि स्कीम की शुरुआत करना चाहती है। वो चाहती है कि मनी जो है पैसे से पैसे ट्रांसफर ना हो, वो कार्ड के थ्रू जो है ट्रांसफर हो। ऐसे में ये बैंकिंग सेवा जो है काफ़ी लाभदायक हो सकती है। इससे लोगों को वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी फायदा होगा। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि सिंगल विंडो केवाईसी होने से वित्तीय कंपनियों को ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। इससे बैंकों के ग्राहकों का खाता खोलना भी आसान होगा, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना आसान होगा, क्रेडिट कार्ड पाना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अधिक से अधिक निवेश होंगे और लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ पाएंगे, बैंकिंग सेवाओं में जुड़ पाएंगे। एक तरह से हम कह लें कि बैंकिंग सेवा अगर आसान होगा तो आम आदमी जो है बैंकिंग सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं सब कड़ियों को देखते हुए केवाईसी प्रक्रिया को जो है अब आसान तरीके से जोड़ने की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।